WHO ने बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए दुनिया भर में कोरोना से क्या हालात बने हुए हैं, साथ ही लोगों को क्या करना चाहिए, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि दुनिया भर में पिछले 28 दिनों में 3000 लोगों की मौत कोविड की वजह से हुई है। वहीं एक महीने में कोरोना के नए मामलों में 52% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। साथ ही WHO ने इन्फ्लुएंजा संक्रमित से संपर्क में आने पर टेस्ट कराने की सलाह भी दे दी है और दुनिया भर में लोगों से WHO ने कोरोना के नियमों की पालन की अपील भी की है, यानी मास्क लगाने को कहा है, डिस्टेंस बनाने को कहा है और लोगों से सार्वजनिक जगह पर मास्क पहनने और भीड़ वाली जगह से दूर दूर रहने की भी अपील WHO की तरफ से की गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंता जाहिर करने वाली बात है। और देश के कई राज्यों में कोरोना का JN.1 वेरिएंट तेजी से फैलता हुआ जा रहा है। दिल्ली के एम्स अस्पताल के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, हालांकि इस वेरिएंट की वजह से कोरोना तेजी से जरूर फैल रहा है। ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, सब लीनेज है और केसेस तो बढ़े हैं, लेकिन जो भी डेटा आया है उससे क्लियरली ये दिख रहा है कि ये इतना सीरियस नहीं है जैसे आपने कहा डेल्टा टाइम में था, क्योंकि ज़्यादातर जो लक्षण हैं वो अपर एयरवेज के हैं, यानी जुकाम, नज़ला, गले में दर्द, खांसी, बॉडी एक्स, जो हम डेल्टा वेव में देखते थे कि वायरल निमोनिया हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही, ऐसा इस वेरिएंट के साथ नहीं देखा जा रहा। तो ये एक माइल्डर वेरिएंट है, लेकिन ये वेरिएंट ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, ज़्यादा फैल रहा है और जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग वेरिएंट थे उनको ओवरटेक करके ये ज़्यादा डोमिनेंट वेरिएंट बन रहा है, कई देशों में ये देखा गया है। लेकिन हमें सतर्क रहना है, सर्वेलेंस करने की जरूरत है, ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो देश में कोरोना के मामले 3000 के पार पहुंच गए हैं। 21 राज्यों में कोरोना अपने पैर पसार चुका है। अब आपको बताते हैं कि किस राज्य में कोरोना के कितने एक्टिव केस हैं, कहां से कितने मरीज अब तक सामने आए हैं, इसे एक एक करके आपको समझाते हैं कि अलग अलग राज्यों में कितने आंकड़े अब तक सामने आ चुके हैं, क्योंकि ये जाहिर तौर पर चिंता की बात है। अब देखिए, कोरोना के एक्टिव केसेस पिछले 24 घंटे में 265 नए केस सामने आए हैं, एक मरीज की मौत हुई है। केरल में आप ये डेटा देखिए, 2872 ये आंकड़ा है। वहीं आपको हम कर्नाटक की बात बताएं तो यहां पर 175 कोरोना के मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु में 117 ये आंकड़ा पहुंच चुका है, कोरोना के मरीज यहां भी मिल चुके हैं। इसके अलावा हम महाराष्ट्र की बात करें तो 68 यहां पर केसेस कोरोना के अब तक सामने आ चुके हैं। तो देश के अलग अलग राज्यों में देखिए, गुजरात से 44 कोरोना संक्रमित अब तक मिल चुके हैं, मरीज वहां पर भी हैं। पुडुचेरी में यहां पर 31 ऐसे मामले जो कोविड संक्रमित है सामने आ चुके हैं। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में आप देखिए, यहां पर तेलंगाना में 27 नए मामले सामने आ चुके हैं कोविड को लेकर। एक एक करके आप डेटा देखिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों से ये मामले जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं। गोवा की बात करें तो 24, गुजरात में 44 हमने आपको बताया, आंध्र प्रदेश में 12 यहां पर मरीज जो हैं वो सामने आ चुके हैं, बिहार से भी 2 मरीज सामने आए हैं, छत्तीसगढ़ में भी 5 कोविड संक्रमित मरीज सामने आए हैं। तो अलग अलग राज्यों में आप देखिए, पंजाब की बात करें तो पंजाब से भी 3 मरीज अब तक मिल चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी 8 कोविड केसेस सामने आ चुके हैं, दिल्ली से भी, राजधानी दिल्ली में भी 8 कोविड मरीज मिले हैं अब तक। तो यहां पर आप देखिए, जम्मू कश्मीर से भी 2 मरीज यहां सामने आए हैं। तो कैसे ये मैप जो है पूरा रेड होता जा रहा है, हरियाणा में भी 2 केसेस सामने आए हैं। तो अलग अलग राज्यों में कैसे ये आंकड़ा बढ़ रहा है, राजस्थान में 10 मरीज सामने आए हैं, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी 2 कोविड केसेस सामने आए, झारखंड में भी 4 नए मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। तो अलग अलग राज्यों में, असम में भी देखिए, असम में भी यहां पर 3 मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। तो यहां तमाम जो ऐसे राज्य हैं जो अब देखिए मैप पूरा रेड हो चुका है, हर राज्य से यहां पर कोविड केसेस सामने आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अंबिकापुर में अस्पताल में कोविड संक्रमण की तैयारियों की मॉक ड्रिल की गई, ताकि कोरोना संक्रमण के हालात बिगड़ने पर आसानी से निपटा जा सके और इस दौरान कोरोना जांच से लेकर मरीज के अस्पताल में इलाज का अभ्यास भी किया गया। और दुनिया भर के कई देश इस वक्त कोरोना की चपेट में हैं और हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी आपके और आपके परिवार को कोरोना संक्रमित होने से बचा सकती है। और वो सावधानियां क्या है ये एक एक करके आप समझिए। सर्दी, खांसी, बुखार होने पर आपको क्या करना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है और कोविड के लक्षण दिखने पर खुद को आइसोलेट कर ले, यानी दूसरों से आप मिले नहीं, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से इस वक्त आपको बचना चाहिए, सार्वजनिक जगह पर
मास्क का इस्तेमाल भी आपको करना शुरू कर देना चाहिए। अपने हाथ लगातार आप धोते रहिए और कोविड के जो तमाम नियम हैं उनका भी आप पालन करना शुरू कर दीजिए। साथ ही बच्चों, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यहाँ पर डायबिटीज और कैंसर के मरीजों का विशेष ध्यान रखने की भी जरूरत है ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। तो ये तमाम ऐसी सावधानियां हैं जिसे आप मानिए, जिसे आप अपने जीवन में उतारिए ताकि आप खुद को और अपने परिवार को भी इस वक्त कोरोना संक्रमण से बचाकर रख सके। अब देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने पर पंजाब में अस्पताल अलर्ट मोड पर है। अमृतसर में कोविड के हालात से निपटने के लिए अस्पतालों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं ताकि राज्य में कोरोना की स्थिति को बिगड़ने से पहले ही रोका जा सके। तो पंजाब में तैयारियां तेज कर दी गई हैं कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए। यहां पर अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं, वहां पर मॉक ड्रिल भी की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि कोरोना की स्थिति बिगड़े उससे पहले ही इसकी रोकथाम कर ली जाए। तो यहां अस्पतालों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कोविड के हालात बिगड़ने से पहले तैयारियां यहां पुख्ता कर ली गई हैं ताकि कोई भी ऐसी इमरजेंसी की नौबत वहां ना आए। ₹2019 से लेकर अब तक कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है, बार बार उसके नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और JN.1 वेरिएंट भी एक नया वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन से जो है वो निकला है। और यहां पर देखिए, हम आपको उसी के बारे में ग्राफिकली बता रहे हैं, उसका एक सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन जो कि बेहद खतरनाक था। JN.1 वेरिएंट का पहला मरीज जो है वो यूरोप के लग्जमबर्ग में मिला और यहीं से वो आगे देशों में फैला है। तो सितंबर में पहला केस जो है इसका सामने आया, JN.1 वेरिएंट जो है यहां पर कैसे फैला और सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट इसे बताया जा रहा है। एक केस मिला और उसके बाद मामले लगातार बढ़ते चले गए। कोरोना के 15-29% मरीजों को बीमार करने के लिए ये वेरिएंट जो है वो जिम्मेदार बताया जा रहा है। अब यहां ये समझिए कि चीन और ब्रिटेन जैसे देशों में भी ये वेरिएंट जो है फैल चुका है, वहां पर भी मरीज सामने आ चुके हैं। WHO ने बताया है कि वैक्सीन जो लगाई जा रही है वो कारगर है, यानी जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, हालांकि आपको सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। तो एक एक करके हमने आपको बताया कि कैसे ये तेजी से फैलता चला जा रहा है।